नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम कब होगा, एचएसएससी का जो ग्रुप सी भर्तियों का सीईटी है वो दोबारा कब लिया जाएगा, इसके अलावा सिलेबस हो या फिर जो 16 मार्च से आप आवेदन भरेंगे ग्रुप सी भर्तियों के लिए, उसके लिए भी चेयरमैन साहब की तरफ से महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। साथियों, ये जो भी जवाब आपको बताए जाएंगे, ये सब बातें चेयरमैन साहब ने कही हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का डाउट है वो क्लियर कर दिया गया है। उससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तक जो सबसे पहले न्यूज पहुंचाता है वो एकमात्र विश्वसनीय चैनल है डिजिटल फ्री शिक्षा। चलिए साथियों, मुख्य मुद्दे के ऊपर चलते हैं। अगर आपके डाउट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहली बात है कि एचएसएससी सीईटी का जो 31,000 के लगभग भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो पहले ऐसा लग रहा था कि ये भर्तियां जैसे पाइप फिटर वगैरह कुछ टेक्निकल पोस्टें हैं जो आनी थी। साथियों, इसमें लगभग 3,000 ऐसी पोस्ट थी जो एडवर्टाइजमेंट होनी थी लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई, उसके बारे में चेयरमैन साहब ने बताया है कि ये भर्तियां ना आने का कारण डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटों ने इन भर्तियों को विड्रा कर लिया है और दोबारा हमारे पास नहीं भेजी है, तो हम एडवर्टाइजमेंट में कैसे दिखा पाएंगे। तो साथियों, जिन कैंडिडेटों की भर्ती नहीं आई है उन भर्तियों को विड्रा कर लिया गया है। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे पाइप फिटर भर्ती के भी, और भी कई भर्ती है, टेक्निकल पोस्टें हैं, लगभग चेयरमैन साहब ने इनका आंकड़ा बताया है 3,000 के लगभग पद थे जिनको विड्रा किया गया है। अब साथियों, दूसरा मुद्दा है चेयरमैन साहब का जो जरूरी संदेश है, जो 16 मार्च से आप ग्रुप सी भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे, उसमें चेयरमैन साहब ने मुख्य बात बताई है कि कोई भी साथी या तो खुद अपना फॉर्म भरे या फिर साइबर कैफे से आप भरवाते हो तो खुद कैंडिडेट वहां पर बैठा रहे, यानी कि वो अपने सामने फॉर्म भरवाए। किसी भी हालत में इस फॉर्म को साथियों आप नॉर्मली ना लें, सीरियसली लेकर इस फॉर्म को भरवाएं, क्योंकि एक गलती आपके कैरियर को बहुत पीछे ले जा सकती है। चेयरमैन साहब ने ये महत्वपूर्ण संदेश दिया है साथियों, जोर देकर इस बात को बताया है कि सभी युवा खुद अपना फॉर्म भरें या बैठकर भरवाएं, क्योंकि अगर गलती हो गई तो करेक्शन का बाद में मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही आप सही भरे जानकारी। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आपको करेक्शन करवाना पड़े। और स्टेप बाय स्टेप जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो एक बार रीड कर लें, ये बातें भी कही गई हैं। इसके अलावा साथियों, ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम के बारे में कहा है तो चेयरमैन साहब ने कह दिया है स्पष्ट कि अगस्त सितंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, अगस्त या सितंबर महीने में ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम करवा लिया जाएगा, ये जरूर है, उसके आवेदन मांगे जाएंगे और जल्दी ही हो सकता है एग्जाम डेट भी पहले ही घोषित कर दी जाए, लेकिन अगस्त से पहले ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम नहीं होगा, पहले ग्रुप सी भर्तियों के एग्जाम होंगे, उसके बाद ग्रुप डी भर्ती के ऊपर प्रोसेस शुरू होगा। दोबारा सीईटी की बात करें तो अक्टूबर या नवंबर में जिस समय ये सीईटी करवाया गया था उसी समय अक्टूबर नवंबर महीने में साथियों दोबारा ग्रुप सी भर्तियों का सीईटी करवाया जा सकता है। सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है हमने पहले ही, आज दिन में ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है कि ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं जिनमें 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस जॉब है जिनका कॉमन कैडर बनाया गया है, वो कॉमन बेस एग्जाम साथियों उसमें 20% क्राइटेरिया हरियाणा जीके का रहेगा, ये बड़ी घोषणा भी चेयरमैन साहब ने कर दी है। इसके अलावा एग्जाम डेट वगैरह सभी टेक्निकल पोस्टों की जारी कर दी है। एक महत्वपूर्ण साथियों, जो सीईटी क्वालिफाई की बात कर रहे कैंडिडेट उनके लिए एक बात बता दें, चेयरमैन साहब लगातार इस मामले में पॉजिटिव हैं, यानी कि पॉलिसी बनाना चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है, फिर भी वो साथियों युवाओं के पक्ष में है, वो चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो, लेकिन पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, अगर सरकार पॉलिसी बनाकर दे तो चेयरमैन साहब उसे तुरंत लागू कर देंगे। चेयरमैन साहब की मनसा पॉजिटिव है, आपके पक्ष में है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना सकते। एचएससी जो काम जो बदलाव कर सकती है वो करके दिखाते हैं, और आपने देखा होगा पहली बार ऐसा कोई चेयरमैन है जो युवाओं की प्रॉब्लम के कारण लाइव आकर या जो भी डाउट रहते हैं
युवाओं से कनेक्ट रहते हैं चेयरमैन साहब, यानी कि युवाओं की प्रॉब्लम सुनते हैं। और जैसे हरियाणा पुलिस वाला मुद्दा था, आज दिन में लिस्ट जारी हुई, तुरंत उनके पास इंफॉर्मेशन गई कि काफी कैंडिडेटों के लगभग 80-85 कैंडिडेट हैं जिनके नाम या रो नंबर उसमें नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने मांग की, तो चेयरमैन साहब ने तुरंत वीडियो बनाकर और उन तक न्यूज पहुंचाई कि जल्दी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, ये तत्पर रहते हैं युवाओं के पक्ष में। और जो बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे एग्जाम डेट पहले घोषित होना हो, सिलेबस घोषित होना हो, ये इसीलिए हो पा रहे हैं कि चेयरमैन साहब युवाओं के प्रति कितने पॉजिटिव हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपकी कोई भी डाउट है ग्रुप सी भर्तियों से रिलेटेड, ग्रुप डी का आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके जो भी प्रॉब्लम होगी वो आगे पहुंचाई जाएगी और जल्दी ही उसका जो भी रिप्लाई आएगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।